गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह सुबह बिल्कुल तैयार होके कहाँ चली। तो आज मैं और श्वेता दी जा रहे हैं घूमने मॉल रोड। तो बस मैं तो चल पड़ी हूँ, श्वेता दी भी आ रहे हैं आराम आराम से। तो बस अभी हमें सांस फूल रहा है। आ जाओ श्वेता दी, तो काफ़ी दिन हो चुके हैं। हेलो। तो काफ़ी दिन हो चुके हैं हमें शिमला आए हुए, और हम बस ऐसे ही कभी कहीं काम ही काम पड़ रहा है। तो फिर हमने आज सोचा कि आज संडे भी है तो आज बाज़ार चलते हैं, घूमते हैं थोड़ा। बहुत दिन से कभी सोलन कभी संजौली। मौसम कितना ख़राब है ना। वही तो, ठंड है बहुत, ठंडी शिमला में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ इतनी ठंड है तो संजौली में कितनी होगी। वही तो, संजौली हम कल गए थे ना तो बहुत ज़्यादा ठंड थी। और सोलन में नहीं है ठंड, सोलन में ठीक है मौसम, सोलन में गरम गरम सा है। तो अब हम निकल पड़े हैं शिमला की तरफ। हम जा रहे हैं छोटा शिमला होते, क्योंकि यहाँ से जो है हमें शॉर्ट पड़ता है। अगर हम बीसीएस वगैरह होते जाते हैं तो वहाँ से काफ़ी लंबा रास्ता है शिमला के लिए, तो यहाँ से हमें शॉर्ट भी पड़ता है और ट्रैफिक भी नहीं होता ज़्यादा, वरना क्लिनी वगैरह में काफ़ी ट्रैफिक लग जाता है। इस वजह से हम छोटा शिमला होते ही जाना प्रेफर करते हैं। आप देख रहे होंगे कि शॉप्स तो मतलब सारी बंद ही दिख रही है। आज संडे है वैसे भी, तो मैक्सिमम शॉप बंद ही होती है। इस वजह से हम थोड़ा लेट ही जा रहे हैं, ताकि जब तक हम पहुँचे तब तक शॉप वगैरह ओपन हो जाए। अब हमने गाड़ी पार्किंग में पार्क कर दी है और अब हम जा रहे हैं लिफ्ट की ओर। अच्छा, और यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंड हो रही है। हम शॉपिंग वगैरह करके फ्री हो चुके हैं, तो बस अब मॉल रोड घूम रहे हैं। हमारे पास बैग वगैरह जो थे वो बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने श्वेता जी ने सोचा कि चलो बैग वगैरह गाड़ी में रख देते हैं। तो हमने बैग वगैरह गाड़ी में रख दिए हैं। तो बस अब थोड़ी भूख भी लग रही थी सुबह से, तो बस अब हम जा रहे हैं कुछ खा लेते हैं पहले। तो हमें लगी थी भूख तो हम आए थे खाना खाने। तो हम आए हैं शिमला में मटका मोमोज खाने। यहाँ पे जो है मटका मोमोज काफ़ी फेमस है, तो आइए देखते हैं। हमने यहाँ पे ट्राई किया मटका मोमोज एंड चाउमीन और फ्राइड राइस, जो कि इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि वो थोड़ा लेट आया था। और जैसे कि देख सकते हो आप, जो इसमें मटका मोमोज में जो चीज़ है वो भर भर के डाली हुई थी। मुझसे और श्वेता दी से तो वेट नहीं हो रहा था कि कब जैसे हम टूट पड़े इस पे। और बस आप जब भी शिमला आए तो इस यहाँ पे ज़रूर विजिट करें। तो चलिए अब वक्त आ चुका है मटका मोमोज को ट्राई करने का। चीज पुल तो बहुत है यार, वाओ सो यमी, बहुत ज्यादा टेस्टी है, यमी। तो आप देख सकते हैं जैसे कि शिमला हम मॉल रोड पे हैं अभी, तो यहाँ पे जो है टूरिस्ट का क्राउड आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। विंटर टाइम है ना, तो इस वजह से क्या होता है कि टूरिस्ट शिमला बहुत ज़्यादा आते हैं। तो देखिए कितने ज़्यादा टूरिस्ट आए हुए हैं। मैक्सिमम अब टूरिस्ट को भी पता होगा कि कल से ही परसों से स्नोफॉल होने वाली है, तो फिर आ जाते हैं। तो इस वजह से जो है कि क्राउड बहुत ज़्यादा है। ये सामने आप देख पा रहे हैं, ये है एमसी शिमला का बहुत सुंदर भवन।
गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी रिज मैदान। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ जो है कि तैयारियाँ चली हुई है, ये 26 जनवरी की तैयारियाँ चली हुई है। हम थोड़ा सा लेट हो गए आने में, अभी तक यहाँ पे परेड वगैरह चली हुई थी, थोड़ी हमने मिस कर दी। घूमते घूमते हो गए थे बोर और ठंड भी लग रही थी, तो यहाँ पे अच्छी धूप भी लगी थी, तो हम आ गए फाउंटेन के पास जो कि बहुत ही प्रेटी लग रहा था। अब हम घूमते घूमते पहुंच चुके हैं रिज मैदान। तो ये जो है चर्च है, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, जो है कि शिमला की जो है शान को बढ़ा देता है। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। आप जब भी शिमला आओ तो रिज मैदान पे जो चर्च बना हुआ है उसको ज़रूर विजिट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर बनी है सुभाष चंद्र बोस की बहुत सुंदर प्रतिमा, जिन्होंने जय हिंद का नारा दिया था। गाइज हम हो चुके हैं अफ्री, अभी हमने खाना वगैरह खाया, मॉल रोड वगैरह घूमा और अब काफ़ी थक भी चुके हैं, तो अब चलते हैं घर की ओर। अभी हमें लिफ्ट जाना है, हमने गाड़ी पार्क करी हुई है और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सुबह से घूम घूम के आज। बस अब घर को ही निकलने वाले थे, बट मुझे दिख गई इयररिंग्स की शॉप, तो मैंने सोचा कि चलो यार इयररिंग्स भी ले लेते हैं। तो काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे इयररिंग्स लेने हैं, बट मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी। गाइज अभी हमने जाना था अपने रूम, बट अभी कैंसिल हो गया है क्योंकि कल हमें गांव जाना है। तो अभी हमने डिसाइड किया है, मैंने और श्वेता दी ने, कि अभी हम चलेंगे विशाल मेगा मार्ट, क्योंकि थोड़ी शॉपिंग तो कर ली, थोड़ी और कर लेते हैं, कल तो गांव जाना ही है, तो आज खूब सारा घूम लेते हैं और खूब सारी शॉपिंग भी कर लेते हैं। तो अभी हम चले हुए हैं, लिफ्ट की ओर जा रहे हैं जहाँ हमने गाड़ी लगाई हुई है पार्क करने को। तो और आप देख सकते हो हाथ, हाँ बहुत ठंडे हो चुके हैं हमारे हाथ। श्रद्धा जी तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, गिरना मत। वो श्रद्धा जी जरा थोड़े ना गिर गए थे। 7 बज गए हैं और अभी हम पहुंच गए हैं घर। हमें थोड़ा आने में देर हो गई आज क्योंकि हम विशाल मेगा मार्ट भी गए थे, वो हम मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ पे हम जैसे ही अंदर एंटर हुए बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, तो हमने फटाफट से हमने अपना सामान ले लिया क्योंकि थोड़ा देर भी हो गई थी, तो हमने सोचा अब फटाफट से सामान ले लेते हैं और हम फिर फटाफट से घर आ गए। मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।